देखिए अखिल की जो एजेंट है वो पिछले 4 साल से लाइनअप पे पड़ी है, धीरे धीरे शूट हो रही है, बाकी फिल्मों की भी शूट चल रही थी एंड करीब करीब पिछले 1.5 साल से या फिर 1 साल से लगातार इसी फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं अखिल। एंड ये मूवी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है, पैन इंडिया रिलीज करने के लिए थोड़ा काम किया जा रहा है। एंड अभी यशराज फिल्म्स ने ऑफर दिया है एजेंट को स्पाई यूनिवर्स में हिस्सा देने का, और मैं आपको ना यशराज का स्पाई यूनिवर्स पर समझा देता हूँ क्योंकि एजेंट में अखिल भी एक स्पाई ही बने हैं। देखिए यशराज का जो स्पाई यूनिवर्स उसमें है ऋतिक रोशन, अभी की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें है शाहरुख खान और उसमें है सलमान खान। अब ऋतिक वॉर से हैं क्योंकि वॉर मूवी में टाइगर श्रॉफ की मौत हो गई थी, अब जो वन एंड ओनली बचे हैं तो वॉर 2 में आपको ऋतिक रोशन ही दिखेंगे। एंड देन देयर इज शाहरुख खान इन पठान, तो पठान भी YRF का ही प्रोडक्ट है यशराज फिल्म्स का। एंड देन देयर इज टाइगर, अब टाइगर 3 का शूट चल रहा है और वहां पर जो टाइगर की मदद करने आएंगे तो शायद पठान आ सकते हैं या फिर पठान की मदद करने टाइगर आ सकते हैं या फिर दोनों वॉर में जाके करेंगे ऋतिक रोशन की मदद। तो मतलब कि ना एक स्टोरी को पूरा एक तरीके से घुमाया जाएगा, जैसे कि रोहित शेट्टी ना उन्होंने किया है अपना कॉप यूनिवर्स बना के, अजय देवगन अक्षय कुमार सिम्बा के अपने रणवीर सिंह, वैसा ही कुछ प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, एक कॉप यूनिवर्स हो जाएगा एक स्पाई यूनिवर्स हो जाएगा। तो YRF ने थोड़ा अपना कहा है कि आ जाओ ऑफर देते हैं अखिल को, हम आपको यहाँ से करेंगे एंड देन यू विल बी हिस्सा ऑफ आर यूनिवर्स। एंड मैं आपको बता दूं सुरेंद्र रेड्डी भी कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं। सुरेंद्र रेड्डी अगर आप नहीं जानते तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं। एंड उनकी जो पुराने डायरेक्शन में बता दूं आपके, तो कहोगे कि भैया आप ही रखो ये सब कुछ, भाई तेलुगु की बहुत बड़ी हिट मूवी लक्की द रेसर, जिसको अपन ने हिंदी में लक्की द रेसर अल्लू अर्जुन, वो उन्होंने डायरेक्ट की थी। चिरंजीवी की बेहतरीन मूवी, नॉर्थ में इतनी नहीं चली लेकिन साउथ में तबाही मचाने वाली सायरा नरसिम्हा रेड्डी, भाई इन्हीं की ही डायरेक्टेड है। तो इनका पुराना डायरेक्शन देखकर ये चीज़ कह सकते हैं कि भैया इनको ही डायरेक्ट करनी चाहिए, भाई मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए YRF की तरफ, उनके पास पहले से बहुत सारे सितारे हैं। एंड भाई पता लगना चाहिए यार इन लोगों को कि कैसे एक स्पाई यूनिवर्स खड़ा किया जाता है। सो भाई आपकी जो भी राय है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एजेंट को वहाँ पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, YRF का ऑफर लेना चाहिए कि नहीं। बाकी मैं मिलता हूँ बहुत जल्द नई न्यूज़ नई अपडेट्स नई खबरों के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।